हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। डिजिटल वर्ल्ड में आने को रणबीर है तैयार, जल्दी होंगे मिस्टर कपूर के ओटीटी पर दीदार। बॉलीवुड के हॉट एंड चार्मिंग एक्टर रणबीर कपूर सभी के दिलों पर राज करते हैं। उनकी एक्टिंग का जादू उनके फैंस के सर पर चढ़कर बोलता है। रणबीर कपूर एक वर्सटाइल एक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग रोल से खुद को एक्टिंग वर्ल्ड में प्रूव किया है। ऐसे में अब खबरें हैं कि रणबीर डिजिटल डेब्यू के लिए भी तैयारी कर चुके हैं और वो जल्द ही ऐसा वैसा प्यार नाम के अपकमिंग प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म में चार अलग अलग कहानियां होंगी जो एक दूसरे में मिक्स होंगी और कहानी को आगे बढ़ाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर ने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भी भर दी है। सोर्सेस की माने तो प्रोजेक्ट की व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए मेकर्स रणबीर कपूर के ऑन स्क्रीन में चार्म को भुनना चाहते हैं। ऐसे में फैंस के लिए इस तरह की प्यार की कहानी में रणबीर को देखना बेहद दिलचस्प होगा। रणबीर कपूर लास्ट टाइम राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू में नजर आए थे और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन भी किया था। वहीं रणबीर कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो रणबीर इस वक्त आलिया के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में काम कर रहे थे। जल्दी ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इस मूवी में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी नजर आएंगे। फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है और करण जौहर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा मिस्टर कपूर श्रद्धा कपूर के साथ लव रंजन की अनटाइटल्ड फिल्म में भी काम कर रहे हैं और वहीं शमशेरा फिल्म में वो वाणी कपूर और संजय दत्त के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। टीवी के पॉपुलर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है, हालांकि उनकी यादें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी। 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला की सांसें दिल का दौरा पड़ने की वजह से थम गई थीं। सिद्धार्थ ने अपने खास दोस्त शहनाज गिल की गोद में दम तोड़ा था। सिद्धार्थ के जाने के बाद से ही उनसे जुड़े तमाम किस्से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। तो आज हम आपको सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़े 10 अनसुने किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बेहद कम लोग ही जानते होंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग में की ग्रेजुएशन। सिद्धार्थ शुक्ला भले ही टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर रहे लेकिन सिद्धार्थ इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते थे। उन्होंने मुंबई के फेमस इंटीरियर डिजाइनिंग कॉलेज रचना संसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन से बैचलर डिग्री हासिल की थी। 2005 में सिद्धार्थ चुने गए थे वर्ल्ड के बेस्ट मेल मॉडल। ये तो आप सब जानते ही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी माँ के कहने पर मॉडलिंग में कदम रखा था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि साल 2005 में सिद्धार्थ वर्ल्ड के बेस्ट मेल मॉडल चुने गए थे। वह प्रतियोगिता तुर्की में हुई थी जहां 41 देशों के मॉडल्स ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में जीत का ताज सिद्धार्थ के सिर पर सजा था। सिद्धार्थ ने तोड़ा कई हसीनाओं का दिल। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की लव स्टोरी टेलीविजन वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत और चर्चित स्टोरी रही। वैसे शहनाज से पहले सिद्धार्थ का दिल टीवी की कई एक्ट्रेसेस पर आ चुका है। रश्मि देसाई, पवित्रा पुनिया, आरती सिंह, शिल्पा शिंदे, आकांक्षा पुरी, शेफाली जरीवाला सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं। और दर्शकों को सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई थी जब सिद्धार्थ का नाम उनकी ऑन स्क्रीन सास स्मिता बंसल के साथ जुड़ा था। अधूरी रह गई पापा बनने की ख्वाहिश। ऊपर से बेहद सख्त दिखने वाले सिद्धार्थ अपनी सबसे खूबसूरत ख्वाहिश को मन में ही दबा ले गए। एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने खुलासा किया था कि वह पिता बनना चाहते हैं। अफसोस, सिद्धार्थ की जिंदगी में वह दिन ही नहीं आ पाया। हमेशा रही पिता को खोने की टीस। सिद्धार्थ शुक्ला को ममाज बॉय कहा गया, लेकिन सच बात तो यह है कि सिद्धार्थ ने हमेशा अपने पिता अशोक शुक्ला को अपना हीरो माना। पिता को खोने की टीस हमेशा सिद्धार्थ के दिल में रही। बीते साल बिग बॉस के घर में सिद्ध ने कहा था कि अफसोस वह अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाए। सिद्धार्थ ने मॉडलिंग करियर की शुरुआत में ही पिता को खो दिया था। जिम में रखते थे मोबाइल से दूरी।
कहा जाता है कि सिद्धार्थ कभी भी जिम में अपना मोबाइल लेकर नहीं जाते थे। सिद्धार्थ का मानना था कि मोबाइल आपका ध्यान भटकाता है और वे वर्कआउट के दौरान अपना पूरा फोकस फिटनेस गोल पर ही देना चाहते थे। माँ के हाथ के बने दाल चावल के दीवाने थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला को घर का खाना सबसे अच्छा लगता था, खास तौर से वह अपनी माँ के हाथ के बने दाल चावल के दीवाने थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान इस समय फैमिली टूर पर निकले हैं। जल्द ही करीना का जन्मदिन आने वाला है और इस मौके का जश्न मनाने के लिए करीना और सैफ अपने बेटों तैमूर अली खान और जेह के साथ वेकेशन मनाने निकले हैं। हालांकि इनकी वेकेशन डेस्टिनेशन क्या है वो अभी तक मालूम नहीं चला है, लेकिन करीना अपने दोनों बच्चों के लिए दो नैनी भी वेकेशन में साथ ले गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीना इन स्टाफ को लाखों की सैलरी तक देती हैं। दरअसल करीना इसी साल दोबारा मां बनी हैं और उन्होंने बेटे जेह को जन्म दिया। करीना का वर्क शेड्यूल भी कुछ ऐसा ही है कि वो हर वक्त बच्चों के साथ नहीं हो सकती, और यही हाल बच्चों के पापा सैफ का भी है। इसलिए करीना ने अपने बच्चों के चार लोगों का स्टाफ साथ रखा है जो उनके बच्चों का ध्यान रखता है। अपने वेकेशन के लिए भी करीना बच्चों की दोनों नैनियों को भी साथ लेकर गई हैं। आइए बताते हैं आपको कि करीना अपने दोनों बच्चों की नैनी को कितनी सैलरी देती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना अपने बड़े बेटे तैमूर की नैनी को 1,50,000 रुपए देती हैं, और जब नैनी को ओवरटाइम करना पड़ता है तो उन्हें करीना 1,75,000 रुपए की सैलरी देती हैं। आपने भी करीना सैफ के बड़े बेटे तैमूर के साथ हमेशा एक व्हाइट शर्ट और डेनिम पहने एक नैनी देखी होंगी जो हर वक्त तैमूर अली खान की देखभाल करती हैं। इन्हें इस काम के लिए प्रति माह 1,50,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी मिलती है। करीना जितनी सैलरी बच्चों की नैनी को देती हैं उतनी एक आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियर और एमबीए की भी नहीं होती। खुद करीना एक शो में कह चुकी हैं कि मेरे बच्चे की खुशी और सेफ्टी का कोई प्राइस नहीं है। नैनी को एक कार भी दी गई है जिससे वे तैमूर और जेह को घुमाती हैं। बता दें कि तैमूर की नैनी का नाम सावित्री है। हालांकि नैनी का काम आसान नहीं होता, उन्हें बच्चे के खाने से लेकर उनको नहलाने तक का ध्यान रखना पड़ता है। इतना ही नहीं, बच्चों की हाइजीन के साथ साथ उन्हें खुद की भी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। करीना के बच्चों की नैनी हमेशा साफ लुक में नजर आती हैं। उनके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। वे हमेशा बच्चों के साथ होती हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे। बीते महीने भी करीना जब सैफ का जन्मदिन मनाने मालदीव गई थी तब भी उनके साथ उनकी मेड मौजूद थी। करीना जब भी विदेश टूर पर जाती हैं तो बच्चों की नैनियों को साथ लेकर जाती हैं। आपको बता दें कि करीना ने अपने बच्चों के लिए इन नैनी को जुहू की एक एजेंसी से हायर किया है। ये एजेंसी सेलिब्रिटीज के बच्चों के देखभाल के लिए नैनी का इंतजाम करती हैं। सैफ करीना के अलावा उनकी बहन सोहाली खान ने भी अपनी बेटी के लिए यहीं से नैनी को हायर किया है। आज करीना कपूर और सैफ अली खान अपने दो बेटों के साथ करीना का 41वां जन्मदिन मनाने के लिए रवाना हुए। उनके साथ नैनी सावित्री को भी जेह अली खान को गोद में देखा गया।